अनुपमा में वनराज एक और घिनौनी चाल चलने जा रहा है। दरअसल एक तरफ जहां पर अनुपमा के सामने आ चुकी है बड़ी मुसीबत कि वो पाखी का एडमिशन बचाए और अपनी नौकरी खो दे, वरना पाखी को भी एडमिशन किसी भी स्कूल में नहीं मिलने वाला है। वनराज इस बात का फायदा उठाते हुए कहता है कि अगर पाखी को स्कूल से निकाला गया तो मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूँ और फिर तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। अनुपमा को पता है कि वनराज किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए अनुपमा इस सिचुएशन के लिए भी बहुत रेडी है। लेकिन यहाँ पर वनराज बहुत ही बड़ी घटिया चाल चलते हुए नजर आएगा। अनुपमा की इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नजर आने वाला है और इस वाले मुद्दे को भी वो डाइवोर्स के किस्से से जोड़ने वाला है, यानी डाइवोर्स के केस में अनुपमा का ये मुद्दा भी उठाया जाएगा कि उसकी वजह से स्कूल में काफी बड़ा नुकसान हो गया था और बच्चों की जान भी जा सकती थी। इसमें अब यहाँ पर इस केस को वनराज अपने नजरे से अपने तरीके से कोर्ट में घसीटते हुए नजर आने वाला है। तो दोस्तों अनुपमा के सामने एक और बड़ी मुसीबत वनराज खड़ी करेगा, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुपमा वनराज को फिर से कैसे मुंह तोड़ जवाब देती है और इसका सॉल्यूशन निकालती है, जैसे कि वो हमेशा ही निकाल लेती है और वनराज को मुंह की खानी पड़ती है। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जो हम आप तक पहुँचाएंगे आपकी फेवरेट सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट।